श्रेणी मोड़ में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस 2019 महिलाओं के लिए बहुत बड़ा झटका। आपको मैं बताने वाला हूं कि फिजिकल में बदलाव होने वाला है, इस पर सरकार अपना अंतिम मुहर लगाएगी और बहुत जल्द ही आपका बहाली आने वाला है। इसमें ये क्यों किया जा रहा है, अपने पुलिस लाइन में बवाल हुआ था वो आप जानते हैं, उसी समय से हो रहा है कि कुछ ना कुछ बदलाव किया जाए और हर तरफ से रिटर्न में भी बदलाव किया जाए, फिजिकल में भी बदलाव किया जाए। इससे रिलेटेड आर्टिकल आया था आपको प्रभात खबर में, आइए उसके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। केंद्रीय बलों की तर्ज पर जो केंद्रीय बल होते हैं सीआरपीएफ सीआईएसएफ जो भी बहाल होते हैं, अभी जो एग्जाम भी चल रहा है उसका, वैसे ही आपको होगा महिलाओं का बहाली। अब क्या बिहार पुलिस में टेस्ट जो फिजिकल होगा वैसे ही होगा जैसे आपको केंद्रीय पुलिस में होता है। इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबको देखना चाहिए। ये देखिए, केंद्रीय बलों की तर्ज पर अब राज्य में शारीरिक रूप से मजबूत युवतियां ही सिपाही बन सकेगी। बिहार पुलिस में सिपाही के पदों पर महिला पुरुष अनुपात में संतुलन बनाए रखने के लिए सबसे बड़ी बात है, किसके लिए बदलाव किया जा रहा है, महिला पुरुष के अनुपात को बरकरार रखने के लिए, ठीक। और इसमें जो शारीरिक बदलाव किया जा रहा है इस पर तेजी से मुख्यालय काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए काम कर रहा है, और अंतिम निर्णय सरकार को लेना है। इससे क्या होगा कि जो अभ्यर्थी महिला जो दौड़, देखिए महिला अभ्यर्थी के दौड़ में पूरी दमखम दिखाना होगा। क्यों दिखाना होगा, क्योंकि एक मिनट यहाँ पर कम होने जा रहा है, एक मिनट मतलब कि 5 मिनट का आप दौड़ कर दिया जाएगा आपका, ठीक। अब 5 मिनट के में आपको 1 किलोमीटर को दौड़ना होगा, ठीक। इससे उनका भी औसत करीब पुरुषों के समान हो जाएगा, इससे पुलिस बल और महिला सशक्तिकरण में संतुलन बना रहेगा। मौजूदा स्थिति में 100 अंक के शारीरिक परीक्षा में, जो मौजूदा स्थिति थी उसमें 100 अंक के शारीरिक परीक्षा में 50 अंक क्या होता था दौड़ पर, और हाई जंप और शॉर्ट पुट पर 25-25 अंक लिए जाते थे। लेकिन हाई जंप और अपर ये जो गोला फेंका जाता था वो तो समान समान था, जैसे कि पुरुष को जैसे अनुपात में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी जॉब आता है जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में था, लेकिन दौड़ में कुछ ज्यादा ही छूट दे दिया गया था, जिससे क्या होता था कि आपको महिला पुरुष का अनुपात जो था वो गड़बड़ा जाता था। ये कैसे पता चलेगा वो तो इसमें दिया हुआ है। पुरुषों को 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर, कितना 6 मिनट में 1.6 किलोमीटर में 1600 मीटर दौड़ना था, और महिलाओं को 1 किलोमीटर दौड़ना था कितने में 6 मिनट में। अब इसे 5 मिनट घटाकर कर दिया जाएगा, ठीक है। देखिए अध्ययन में पाया गया था क्या कि इस मानक पर पुरुष कितना तो 30 से 40% ही पास होते थे, मीन्स कि 100 अगर जाते थे पुरुष आपको दौड़ने के लिए तो उसमें 30% ही पुरुष 40% पास हो पाते थे, बाकी सब फेल हो जाते थे, ठीक। वही महिलाओं के 90% पास हो जाती, वही 100 महिलाएं हो जाती थी उसमें 90 महिलाएं पास हो जाती थी, और इसी के चलते आपका जो मेरिट बनता था वो गड़बड़ा जाता था, ठीक। 2017 में 9843 जो वैकेंसी था उसमें 6700 महिलाएं पास हुई थी। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा संख्या कहलाता है 6700, इतना वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि मात्र इतना 6700 महिलाएं पास हुई थी, क्या फिजिकल हुई थी, और 2017 के सिपाही के 9843 पदों पर बहाली हुई थी, जो इसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण था वो भी था, आरक्षण सीट इनका रहता है। पुरुषों के मुकाबले भर्ती नियम भी स्थिर थे। इस बहाली में 6700 पदों पर महिलाओं का चयन हो गया था, कि स्थिर माने का मतलब कि आपको आसान थे पुरुषों के मुकाबले, नहीं तो आप देख लीजिए ये 50% से भी ज्यादा है। अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसका 50 मान लीजिए 10%, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप 50% आप निकालिएगा किसका, इसका मान लीजिए ये 10,000 सीट मान लीजिए, ठीक, 10,000 का तो 5,000 आपका आएगा, यहाँ पर देखिए इसका इससे भी ज्यादा 2,500 मतलब कि 1700 सीट ज्यादा हो जा रहा है, ठीक, 2,000 के करीब सीट आपको महिला ज्यादा बहाल हो जाती थी, तो इससे गड़बड़ी हो गया था। इस बहाली में 6700 पदों पर महिलाओं का चयन हो गया, 35% आरक्षण लागू के बाद भी, ठीक। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की दुगनी संख्या में चयन ने सभी को चौंका दिया, क्या थे पुरुष एक ही थे, मतलब कि एक सीट पुरुष लेते थे तो 2 सीट महिला ले लेती थी, इसलिए चौंका दिया। बदलाव की खास बातें बहाली और सेनावृत्ति के अनुपात बनाए रखने के, नियमित बहाली किया जाए, मतलब कि जो रिटायर होते हैं उनको भी तो, जो पुरुष में रिटायर हो रहे हैं उनके जगह पर पुरुष लाए जाएंगे तो वो भी तो बरकरार रखना है, और अगर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ही ला लिया जाता है तो महिला तो एक तो पहले से ही बहुत कम है और रिटायर भी बहुत कम हो रही है, और सबसे ज्यादा महिलाओं को ही भर लिया जाए तो पुरुष का ऐसा अनुपात कम हो जाता है, ठीक, इससे गड़बड़ी हो जाती है। बड़ी संख्या में एक साथ बहाली पर रोक लगे, जो बड़ी संख्या में लोग बार बार बोल रहे हैं ना 25,000 बहाली आएगा, 30,000 बहाली आएगा, फलना बहाली आएगा, वो नहीं, एक साथ बहाली पर रोक लगाए के लिए बोला गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब बहाली आता है तो ऐसे बार बार मामला देखने को मिलते हैं, धांधली भी देखने को मिलता है, ठीक। इससे कैडर मैनेजमेंट में दिक्कत होता है, आपको ट्रेनिंग भी बढ़िया से नहीं कराया जाता है, ट्रेनिंग के पहले ही आपको ड्यूटी कराने लगाया जाता है और फिर 2 साल बाद ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है अभी जो झेल रहे हैं लोग। संवेदनशील पुलिस के लिए शारीरिक दक्षता के साथ मानसिक दक्षता का भी परखी जाएगी और आपका सिलेबस भी बदला जाएगा, जो रिटेन का होगा वो भी, ठीक, ये भी दक्षता। 11,865 पदों पर बहाली रद्द की गई थी, इसलिए रद्द कर दी गई थी, इसका जो एग्जाम था 9 नवंबर 2018 को था, लेकिन उस समय तत्कालीन DGP जो थे KS द्विवेदी ने इसे रद्द कर दिया था और बहुत बड़ी बदलाव के लिए सूचना दिया था कि इसमें बदलाव होगा तब एग्जाम होगा। देखिए इसका कोई आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं वेबसाइट पर लाया गया कि क्यों रद्द कर दिया गया है, लेकिन सब लोग जानता है कि जो बिहार यहाँ पर हुआ था गांधी मैदान के पीछे जो है आपको वहां पर जो बिहार पुलिस बहुत क्या करते हैं वहां पर आते हैं, तो वहीं पर जो बवाल हुआ था पुलिस लाइन में, तो वही पुलिस लाइन में बवाल के कारण ये बहुत बड़ा बदलाव किया गया था, उसके कुछ ही दिन बाद ये रद्द कर दिया गया था। आपको सबको पता होगा डेंगू काटने से एक लड़की का मृत्यु हो गया था जिससे तोड़फोड़ हुआ था।
तो ये फिजिकल में बदलाव होने जा रहा है, और इसमें क्या होने जा रहा है कि जब फिजिकल में बदलाव होगा तो जो आपको एक मिनट घटा दिया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि आपका महिला जो भी होगी वो भी 50% पर आ जाएगी। एक मिनट बहुत काफी समय कहलाता है, ठीक। एक मिनट अगर आपको 1000 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में, तो आप वही समझ लीजिए जैसे सीआरपीएफ का महिला का दौड़ होता है, वैसे ही आपको बिहार पुलिस में भी महिला का दौड़ होगा। बाकी वर्ष बरकरार रखेंगे, गोला फेंक हाई जंप बरकरार रहेगा, लेकिन दौड़ में ये कम किया जाएगा जिससे कि संतुलन बना रहेगा महिला पुरुष का, ठीक। ये था वीडियो, मैंने सोचा आपको जरूर दे दूं इससे इन्फॉर्मेशन, और कोई अगर डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, स्टेट मूल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।